टू आवर चैनल। तो मैं जा रही हूँ दिल्ली और मैं वहाँ से जा रही हूँ चंडीगढ़, और अभी फ़िलहाल लेट हो रही हूँ, तो मैं आपको मिलती हूँ एयरपोर्ट पे। आई एम रनिंग टू द बोर्डिंग गेट, टिकट इज डन। मैं बहुत टाइम से मॉल नहीं गई हूँ और एयरपोर्ट पे आके ऐसा लग रहा है कि मैं मॉल में हूँ। सीरियसली, जस्ट लुक एट दिस। फ्लाइट से पहले मैं हमेशा वॉक करती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। इनफैक्ट जब तक मैं एयरक्राफ्ट में ना बैठूँ मैं तब तक वॉक ही करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ने इतने टाइम तक फिर बैठना है, भले वो 2 आवर्स के लिए हो, 2.5 आवर्स के लिए हो। आई प्रेफर टू वॉक बिफोर द फ्लाइट, क्योंकि मैं वैसे भी थोड़ी रेस्टलेस हूँ, मुझे एक जगह बैठना अच्छा नहीं लगता। सो यस, अभी मैं अपनी वॉक कर रही हूँ, बट क्योंकि मेरे पिंकी टो पे लग गया है तो ये वॉक थोड़ी सी जो मुझे बहुत पसंद थी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई है, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि होगी, क्योंकि मैं यूजुअली ये वॉक को इन्जॉय करती हूँ। मैं अपने साथ खिचड़ी लाई हूँ और फॉर डिनर, मेरा डिनर टाइम हो गया है और मैं खिचड़ी खाना चाहती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कहाँ खाऊँ, एयरक्राफ्ट में। आई हैव मोशन सिकनेस तो आई प्रेफर नॉट ईटिंग इन द एयरक्राफ्ट, सो आई थिंक अभी मैं खा लेती हूँ फटाफट किधर बैठ के। खिचड़ी रॉक्स, हैशटैग खिचड़ी इज कूल, लेट्स मेक खिचड़ी कूल। एंड आई हैव रीच्ड दिल्ली। जैकेट पहन लिया है क्योंकि ठंडी है। इट्स कोल्ड, अभी तो नहीं पता चल रहा है, थिंक बाहर जब एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तब पता चल गया कि कितनी ठंडी। अभी बैगेज का वेट कर रहे हैं, अभी तक बैग दिखा नहीं था मुझे मेरा, होपफुली जल्दी आ जाए। और मेरा पिंकी काफ़ी दुख रहा है, इट्स हर्टिंग क्वाइट अ लॉट, सो इट्स नॉट कूल। आई एम वेटिंग फॉर सिकंदर, किधर गया सिकंदर? इतनी ठंडी है नहीं यार दिल्ली में, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जैकेट ऐसे ही पहन लिया है। और ये रहा सिकंदर। हम अभी दिल्ली से निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए, एंड इट्स रियली नाइस वेदर, ठंडी भी नहीं है और हाँ ये रख दो, इतनी ठंडी भी नहीं है, अच्छी अच्छा वेदर है, इट्स नाइस एंड सनी। सिकंदर, वुड यू लाइक टू से हेलो? व्हाट? वुड यू लाइक टू से हेलो? हाय। अब है लंच टाइम, 2 o'clock हो गए हैं, हम खा रहे हैं पराठे जो मॉम ने पैक करके दिए हैं। इसके बाद यम्मी यम्मी पराठे, गोभी के पराठे, उसके ऊपर अचार लगाया है और बना के खा रहे हैं। आई एम ऑन अ हाई कार्ब डाइट माय फ्रेंड्स। ईस्ट और वेस्ट, पराठा ज्यादा बेस्ट एंड स्पेशली अगर मॉम ने बनाया हो। सो वी फाइनली रीच चंडीगढ़ हमारे रूम में, और चलो रख लेते हैं और हम रूम भी देख लेते हैं किधर जाए। लाइट्स लाइट्स लाइट्स, वेयर इज द लाइट? तो हम चंडीगढ़ एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने आए हैं। सिकंदर, दिस इज आर
फर्स्ट फंक्शन आफ्टर द पैंडेमिक हैज स्टार्टेड है ना. सो वी आर लिटिल नर्वस एंड नॉट हिम आई एम a little nervous to be attending a function और excited at the same time क्योंकि you know अच्छा लगता है family function, मज़े, dance, खाना and meeting all the family again. So yes, excited also, a little bit nervous also, but yes, बहुत मज़ा आने वाला है और यार थोड़ी ज़िंदगी जी लेते हैं अब, थोड़ी बहुत तो ज़िंदगी जीनी चाहिए है ना, तो जी लो, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी. यू कैन सी कि पूरी कमली हो गई लड़की है. यहाँ पे सिकंदर पूरी सेटिंग कर रहा है, चार्जिंग हिज फोन. सिकंदर यू नीड टू कीप माय लगेज हियर, यू कीपिंग इट हियर. You've kept mine on the floor. Hey? He's kept my luggage on the floor and he's kept his luggage here. अरे पर easy to access है ना, कमरे में घुसते ही तेरा phone तेरा ये है. हैं? इसके sides जाएगी तो. की? मैं तो easy access for you. मेरा ना दूर पड़ेगा. अच्छा. तो तू तो खड़ा होके कर लेगा. Window तो bend होके करना पड़ेगा. हैं? उठ तो. अच्छा. ओके इतने रख दो, फ्लोर पे रख दो, कोई गल नहीं. मेरा वाला नहीं, मेरा नहीं बाबा, मेरा रख दो. सी लिसन गाइस, ही इज जस्ट बीइंग स्वीट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ही इज नॉट सो स्वीट. अच्छा मैं पहले ही बता दूं, इतने कटाक्ष भी चले जाते. एक कटाक्ष नहीं दिखते मैं कोई है सिकंदर. लिसन, ही इज नॉट दिस नाइस. ओके, दिस इज जस्ट फॉर द कैमरा. अच्छा फेसिंग तो इतने ना. यस, वेरी गुड, यू आर नॉट गेटिंग एनी टिप्स. चलो बस. ओके देन, बाय बाय गाइस. नहीं क्या बाय, वेट वेट, स्टे योर ओनली, देयर इज मोर है ना, स्टे. हैप्पी डांस तो किया ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला हैप्पी डांस के लिए. हम इतने अच्छे बच्चे हैं कि हम रात को पार्टी करने के बावजूद, लेट सोने के बावजूद, आज हम टाइम पे रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं नाभा साहेब गुरुद्वारे. यस, सिकंदर और मेरी एनिवर्सरी मंथ है एंड नाभा साहेब इज वेयर वी गॉट मैरिड, तो हम ब्लेसिंग्स लेने जा रहे हैं. राइट सिकंदर, बराबर. प्रसाद, दिस इज इको फ्रेंडली, पत्तियाँ दा ये बनाया है और ये जो कॉली है, कटोरी, ये री यूज होती है. सो प्रसाद इज इको फ्रेंडली. मैं मेकअप कर रही थी, डोंट जज मी, हाँ मेरा मेकअप हुआ नहीं है पूरा. और पहले मुझे लाइट बहुत कम लग रही थी बाथरूम में, आई वाज लाइक बहुत कम लाइट है, एंड देन आई स्टम्बल्ड ऑन दिस. ये है बहुत अच्छा, लाइक इट्स रियली नाइस, पर आपको ऐसा लगता है अपने आप को इसमें देख के काफ़ी आप डर जाती हो, लाइक ये क्या है.
क्योंकि एवरी लाइन ऑन योर फेस, एवरी स्पॉट, एवरी थिंग इतनी ज़्यादा विजिबल हो जाता है कि आपको ऐसे मतलब आप डर जाते हो कि इतनी प्रॉब्लम है, इतनी इन परफेक्शंस है मेरी स्किन पे. बट क्योंकि तैयार होना है, अभी इसके साथ ही तैयार होना पड़ेगा. सो यार, गर्ल्स कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे टफ मेकअप में क्या लगता है. जैसे मुझे सबसे डिफिकल्ट लगता है आईलाइनर एंड फेक लैशेस. तो मैं फेक लैशेस कभी भी नहीं लगाती और आईलाइनर आई थिंक 2 साल में एक बार लगाती हूँ. आज मैंने लगाया है, आई डोंट नो हाउ इट इज़, आप लोग देख के बताओ. मस्कारा लगाना है मुझे, बट कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा टफ क्या लगता है. जैसे मुझे लगता है आईलाइनर एंड मस्कारा. और बाल तो मैं बना ही नहीं सकती. लाइक मैं स्ट्रेट कर लूँ अपने बाल, वो ही मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है. बाल तो बाबा, कर्ल्स तो मुझे आते ही नहीं करने, और कुछ और तो करना आता ही नहीं. सो हेयर इज़ लाइक नॉट माई डिपार्टमेंट एट ऑल. मेकअप तो मैं फिर भी कर लूँ, लाइक काम चला लूँ टाइप्स. तो इसीलिए मैं यूजुअली, अगर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करते हो या देखा होगा, या फेसबुक पे, तो मैं अपने बाल स्ट्रेट भी नहीं करती, जस्ट ऐसे ही होते हैं मेरी सारी फोटोग्राफ्स, वीडियोस, हर एक चीज़ में. और अगर कभी बने हुए दिखे तो वो या तो किसी ने किए होंगे या तो मैंने खुद स्ट्रेटन करने की कोशिश की है. जैसे आज मैंने स्ट्रेटन करके, मैं पहले से ही आई थी, तो जैसे कर लिए उससे ज़्यादा नहीं होगा मुझसे. सो कॉमेंट सेक्शन में बताओ. I have to always pull him to click photographs with me. इसीलिए ये photos में आता नहीं है. तो मैं रूम में आ गई हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं, बस हो गई है मेरी. मैंने बहुत दिनों बाद डांस किया है, वो भी हील्स में, इतनी बड़ी हील्स में. तो आई थिंक आई एम डन और ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट बिलो. थैंक यू सो मच, सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.